हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के वीडियो में अपन लोग देखेंगे कि OEM अनलॉक क्या होता है और क्या इसके एडवांटेज होते हैं और क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं और क्यों ये फोन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैंने और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हो ओपन टेक टीवी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि OEM अनलॉक होता क्या है। दोस्तों OEM अनलॉक क्या होता है, एक बूट लोडर होता है जो क्या करती है, कंपनी अपने फ़ोन में अपने फ़ोन को लॉक करके देती है। जिससे क्या होता है दोस्तों कि आपके फ़ोन का जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी इंस्टॉल करके देती है, कोई भी उस सॉफ्टवेयर के साथ कुछ भी छेड़खानी ना करे और आपका फ़ोन जैसा कंपनी ने इंस्टॉल करके दिया है सॉफ्टवेयर वैसा का वैसा ही चले। चलिए अब जानते हैं कि आप आपके फ़ोन का बूट लोडर को अनलॉक कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये बूट लोडर अनलॉक करने की जो प्रोसेस होती है, अलग अलग फ़ोन ब्रांड अपनी अलग अलग मेथड होती है। जैसे आप Xiaomi फ़ोन की बात करें तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि आपको एक सेटिंग्स में जाके एक OEM अनलॉक का ऑप्शन को ऑन करना पड़ता है और उसके बाद आप एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से इसके बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं। और जो अदर कंपनी के जो ब्रांड्स होते हैं उनमें भी लगभग ऐसी सेम ही प्रोसेस होती है, बस उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे आपको OEM अनलॉक तो सेटिंग्स में जाके ऑन करना ही पड़ता है, बट उनके दोस्तों थोड़े बहुत अलग मेथड्स भी होती है। अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसमें मैं लेटेस्ट गैजेट्स एंड फोन्स के वीडियो बनाता रहता हूँ, तो उसकी भी वीडियोज़ आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि OEM अनलॉक करने के बाद या बूट लोडर अनलॉक करने के बाद क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं। दोस्तों अगर आप आपके फ़ोन का बूट लोडर को अनलॉक कर लेते हैं तो आप आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं या आपके फ़ोन का जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं या आपके फ़ोन में आप जो लेटेस्ट कस्टम रोम्स अवेलेबल हैं उसको भी इंस्टॉल आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों आप आपके फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और अदर अदर फीचर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप आपके फ़ोन को अगर रूट करना चाहते हैं तो विदाउट अनलॉक बूट लोडर के दोस्तों आपका फ़ोन रूट ही नहीं होता है और बूट लूप में चले जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं बूट लोडर अनलॉक करने के बाद क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये होता है कि अगर आपके फ़ोन की जो वारंटी है, आप अगर आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर लेते हैं तो वारंटी ख़त्म हो जाती है। बस कुछ ब्रांड्स हैं दोस्तों जो परमिशन देते हैं जिससे आपका फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, जैसे Xiaomi हो गई या OnePlus हो गई या Realme हो गई, बट दोस्तों जो बाकी फ़ोन के ब्रांड है वो अपनी वारंटी को ख़त्म कर देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप आपका फ़ोन का बूट लोडर को अनलॉक कर देते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपका फ़ोन फिर पहले जैसा ही स्मूथ चले। कई बार फ़ोन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, जैसे हीटिंग इशू या सॉफ्टवेयर हैंग होने लग जाता है, तो ये सब भी प्रॉब्लम आ सकती है। और नेक्स्ट ये दोस्तों, अगर आप आपका फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर लेते हैं तो हो सकता है अगर ये प्रॉपर तरीके से करा ना हो तो आपका फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो भी डेड हो जाए या आपका फ़ोन ऑन ही ना हो। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या आपने भी आपके फ़ोन का बूट लोडर कभी अनलॉक किया है क्या। तो यही था वीडियो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए हैं तो आप ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों मेरा एक सेकेंडरी चैनल भी है जिस पे मैं लेटेस्ट फ़ोन एंड गैजेट्स के वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आप उसको भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।